दुनिया में आपने देखा होगा, अलग अलग कलाएं होती हैं और उन कलाओं के कलाकार होते हैं। हम सामने पत्थर देखते हैं, पत्थर रखा हुआ है, लेकिन मूर्तिकार उसमें मूर्ति देखकर थोड़ी देर में अपनी कला से मूर्ति बना देता है। ऐसे ये तत्वज्ञानी कला है, यही जीव है, यही है जीव है, यही आश्रय वन सम्मन निजरा मोक्ष सब कुछ है। लेकिन आपको कलाकारी आती है कि नहीं? पत्थर तो सामने रखा है, लेकिन यदि कलाकार ना हो तो उसमें से क्या बनाएगा? ऐसे तत्वज्ञान एक अनूठी कला है। यदि आपके पास वो कला नहीं है तो आप उसमें से कैसे सुख निकालोगे, कैसे कष्ट दूर करोगे, कैसे संसार और पाप गलाओगे? इसलिए मेरे भाई, तत्वज्ञान की कला को सीखना होगा। अरे ये देह मैं नहीं हूं, ऐसा जानना, ऐसा मानना एक कलाकारी है। मैं जीव हूँ जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस रूप अपने को मानना कला है। जैसे पत्थर के अंदर की मूर्ति कलाकार को दिख रही थी, ऐसे इस देह के अंदर की मूर्ति उस कलाकार को दिखाई देगी जिसके पास तत्व ज्ञान की कला है। जैसे वो कलाकार बाहर के पत्थरों को छांट के अलग कर रहा था, ऐसे जो इस देह को अपने आत्मा से छांट कर अलग कर देगा वो कलाकार कहलाएगा। वो जीव और अजीव तत्वों को जान पाएगा। ऐसे ही प्रभु बारीक बारीक पत्थरों को भी अलग करता जाता है, थोड़ी बाद में बारीक काम होता है, धूल भी छांटता है। ऐसे जो अंदर में मोह राग द्वेष रूपी आश्रव और बंदी की धूल को छांटेगा, उससे भिन्न अपने को आत्मा देखेगा, जानेगा, मानेगा, वो कलाकार कहलाएगा। वो आश्रव बंद तत्व की धूल को छांट कर अपने को आत्मा जानेगा, मानेगा। जब वो धूल छट जाएगी तो मुद्रा कितनी सुंदर लगने लगेगी। उस सुंदर मुद्रा का नाम ही तो संबर निजरा है। और जब पूरी धूल छट जाएगी और वह मुद्रा सामने आएगी, उसी का नाम तो मोक्ष है। मेरे भाई, तत्व ज्ञान कला है जो मोह राग द्वेष रूपी सूक्ष्म भावों को पहचान कर इस धूल को अपने से दूर करके निश्चिंत और निर्भर होता है। तो वो निश्चिंतता और निर्भरता ही संबर है। वो निश्चिंतता निर्भरता बनी रहे, वही निर्जरा है। और अब कभी चिंता ही ना आए, निर्भर 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 अनंत अनंत काल तक सुख सुख सुख, वो मोक्ष है। इसलिए मेरे भाई, ये कलाकारी तो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको सात तत्वों को जानना पड़ेगा। उन सात तत्वों की कला को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कैसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब आप कलाकार कहलाएंगे। जैसे कलाकार सब जगह कलाकार होता है, उसकी कला उसके साथ होती है। उसके सामने कोई भी किसी भी प्रकार का पत्थर रखो, उसमें से मूर्ति निकाल के रख देता है, बना देता है। ऐसे ही प्रभु जिसके पास तत्व ज्ञान की अनूठी कला होती है, वो किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी परिवेश में रहे, किसी भी गति में रहे, वो अपनी इस कला का उपयोग करता रहता है। वह अपनी इस कला के माध्यम से कसाय और पाप की बलाओं को अपने पास नहीं आने देता, कर्म की बला को अपने पास नहीं आने देता। वह निरंतर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान होता है, बढ़ता रहता है, भगवान बनता है। आइए हम भी इस सुंदर तत्व ज्ञान की कला का लाभ लें, कलाकार बने। और इस कलाकांत में महाकलाकार रूप में परिणमित जीव होते हैं जो आज अरहंत सिद्ध रूप में विराजमान है। धन्य प्रभु ऐसे तत्व ज्ञान की कला, धन्य ऐसे तत्व ज्ञान के कलाकार। विचार न भाई, स्वरूप तो ऐसा ही है।